नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के संडे कमेंट बॉक्स प्रोग्राम में। तो दोस्तों आज संडे है और हर संडे को मैं आपके कुछ कमेंट्स का रिप्लाई देता हूं, तो आप भी इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं और अपना कोई सवाल पूछ सकते हैं। किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट लिखकर हमें भेज सकते हैं। और अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है पुलिंग की, बबलिंग की, या आपकी गाड़ी के किसी टायर के घिसने की, तो आप पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का संडे कमेंट बॉक्स। आज का सबसे पहला कमेंट लिखने वाले हैं रवि गुजर, और ये लिखते हैं, हेलो सर, आई एम फ्रॉम यूपी। सर माई टोयोटा ग्लैंजा 2021 मॉडल, दिस इज प्रॉब्लम इज 100 to 120 स्पीड, देन विल यूज ब्रेक, देन माई स्टेयरिंग इज वेरी बबलिंग, विच इज द प्रॉब्लम। आई एम डन ऑल्सो ए एलॉय व्हील अलाइनमेंट। तो देखिए इनकी गाड़ी में एलॉय व्हील्स लगे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि इनकी गाड़ी जब ब्रेक लगाते हैं तो इनकी गाड़ी का स्टेयरिंग बबल करता है, बबलिंग करता है। तो देखिए अगर आपकी गाड़ी में हाई स्पीड में या स्लो स्पीड में ब्रेक लगाने पर बबलिंग की प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम ब्रेक की हो सकती है। ब्रेक में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपका ब्रेक शू घिस गया है, या आपका जो ब्रेक डिस्क है वो अनइवन घिस गया है, या ब्रेक कहीं कम लग रहा है किसी व्हील में, किसी व्हील में ज़्यादा लग रहा है। वैसे ऐसी जो प्रॉब्लम आती है जो एलॉय व्हील्स वाली गाड़ियाँ हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है कि 100 और 100 से ऊपर जाने पर गाड़ी बबलिंग करती है। वैसे आप एक बार व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग चेक कराकर देख सकते हैं, हो सकता है उसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं फैजान खान, और ये लिखते हैं, सर ऑल्टो कार का कैम्बर ठीक नहीं हो रहा है राइट साइड का। तो देखिए दोस्तों ऑल्टो कार है मारुति की, उसमें कैम्बर की जो एडजस्टमेंट है वो नहीं होती है। आप अगर आपका कैम्बर ज़्यादा आउट है तो आप उसमें शॉकर में पतला बोल्ट डालकर उसकी एडजस्टमेंट बनाकर उसको ठीक कर सकते हैं। वो भी अगर आपका माइनस में कैम्बर आउट है तो यह जुगाड़ काम कर सकता है, अगर प्लस में आउट है तो ये जुगाड़ काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट कोई नहीं है। तो अगर ज़्यादा है आपका कैम्बर आउट है तो वो आपको हो सकता है शॉकर बैंड हो सकता है, या आपकी जो नकल है जिसमें व्हील और आपका शॉकर और लोअर आर्म फिट होते हैं वो भी बैंड हो सकती है। और ऐसा उस केसेस में ज़्यादा होता है जब आपकी गाड़ी कहीं हिट हो जाए, कहीं डिवाइडर से टकरा जाए या कहीं गहरे गड्ढे में गिर जाए, जिससे कोई सस्पेंशन का पार्ट बैंड हो जाता है और उससे हमारा कैम्बर ज़्यादा आउट हो जाता है। तो अगर ज़्यादा आउट है तो वो चीज़ पहले आपको जो बैंड हुई है वो चेंज करानी पड़ेगी, उसके बाद ही वो अपनी रियल पोजीशन में आएगा। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं आमिर खान, और ये लिखते हैं, सर टायर घिसे हुए अंदर साइड रखें या बाहर। तो देखिए दोस्तों जब गाड़ी का टायर घिस जाता है तो हम रोटेशन करते हैं, तो ये रोटेशन कुछ इस तरह से करते हैं, जो हमारे ज़्यादा टायर घिस गए हैं उनको हम पीछे एडजस्ट करते हैं और जो थोड़ा सही कंडीशन में है उनको आगे रखते हैं। उसके बाद अगर जो टायर अंदर से घिस रहा है या बाहर से घिस रहा है वो साइड पलटी करने का कोई बेनिफिट इतना होता नहीं है। अगर हम साइड पलट देते हैं उसकी तो वो टायर आपका बबलिंग भी कर सकता है और आपको चलाने में दिक्कत आ सकती है। वैसे आप अंदर की साइड रखना चाहते हैं या बाहर की साइड, तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी गाड़ी कौन सी है। जैसे हुंडई की गाड़ियों में अंदर से टायर ज़्यादा घिसता है तो आप उसको बाहर की साइड रखें तो अंदर के साइड वाला जो है ज़्यादा हिस्सा वो घिसेगा तो आपका टायर लिबरी में आ जाएगा। ऐसे की जो मारुति की गाड़ियाँ हैं उनका टायर बाहर से ज़्यादा घिसता है तो आप मारुति की गाड़ी में अंदर की तरफ घिसा हुआ टायर रख सकते हैं। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं उमेश पाटिल, और ये लिखते हैं, हाय सर, ट्रैक की फ्रंट के टायर 5 ट्रेड पैटर्न में से बाहर की 1 नंबर ट्रेड पैटर्न हुई है यूज में, स्टेप हुई है, क्या रीज़न हो सकता है। इनका कहने का मतलब ये हो सकता है
कि ये बड़ी गाड़ी की बात कर रहे हैं, ट्रक की, बस की, तो इनकी गाड़ी में जो टायर का, टायर में जो गुड्डी होती है, मतलब जो पैटर्न होता है, वो 5 तरह के होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, उसमें से जो बाहर साइड वाला जो पैटर्न है, जो हिस्सा है आप इनका ज़्यादा घिसा है, तो उसका घिसने का कारण आपका सस्पेंशन खराब होने का ज़्यादा वो रहता है, जैसे आपके एंड्स खराब हो जाते हैं या आपकी कमानी के बुश वगैरह जल्दी कट जाते हैं, तो उसकी वजह से ये बाहर से टायर घिसने लगता है, या आपके जो गाड़ी की ट्रक की अलाइनमेंट आउट हो सकती है, जिससे आपकी गाड़ी का जो बाहर वाला किनारा है वो ज़्यादा घिस रहा है। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं नीलेश ब्रह्मांकर, और ये लिखते हैं, सर गाड़ी का स्टीयरिंग प्ले रहने से अलाइनमेंट परफेक्ट नहीं जमेगा क्या? तो देखिए दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का सस्पेंशन का कोई पार्ट्स है, खराब है, जैसे आपका स्टीयरिंग रैक में प्ले है और हम अलाइनमेंट कर देते हैं, तो अलाइनमेंट पे थोड़ा इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी जो प्ले है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हम जब करेंगे अलाइनमेंट, तो वो प्ले रहेगी, तो उससे इतनी प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं आ पाएगी। अगर गाड़ी का सस्पेंशन खराब है तो उसको ठीक करा कर ही अलाइनमेंट कराएं, तो ज़्यादा बेनिफिट रहता है। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं जेके टायर एंड अलाइनमेंट, और ये लिखते हैं, सर बुलेरो पिकअप का अलाइनमेंट कैसे करते हैं? और दूसरा कमेंट इन्होंने लिखा है, सर टाटा मैजिक का अलाइनमेंट कैसे होता है? तो देखिए, दोनों ही जो गाड़ियाँ हैं उनका अलाइनमेंट सिंगल रोड से एडजस्ट होता है, यानी जो ज़्यादातर गाड़ियों में दोनों तरफ बॉल जॉइंट होते हैं, टाई रोड होते हैं, उससे अलाइनमेंट एडजस्ट की जाती है, लेकिन इन गाड़ियों में एक सिंगल रोड होती है, और उस सिंगल रोड की राइट साइड की तरफ, ड्राइवर साइड की तरफ, उसमें एडजस्टमेंट होती है अलाइनमेंट करने की। तो आप लेफ्ट वाला जो व्हील है, आप स्टीयरिंग को लेफ्ट राइट करके उसकी टो मिला सकते हैं, और उसके बाद जो टो आउट रहेगी उसको राइट साइड से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से इन गाड़ियों में व्हील अलाइनमेंट होती है। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं बैक फ्रीज, और ये लिखते हैं, मारुति के सारी कार में बैक टायर घिसने की प्रॉब्लम है। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादातर जो गाड़ियां हैं मारुति की, उनमें सब गाड़ियों में तो ये दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ गाड़ियों में ये दिक्कत मिल जाती है, उनकी पीछे की जो टो है वो आउट हो जाती है या आउट वहीं से आती है, जिससे पीछे का टायर हमारा घिसने लगता है। कुछ इन गाड़ियों में जो पीछे का रियर कैम्बर है वो भी माइनस में होता है, और उसके बाद हमारी जो टो भी आउट हो जाती है, तो टायर घिसना शुरू हो जाता है। तो आप गाड़ी की अलाइनमेंट चेक कराते रहें, और पीछे की टो का भी ध्यान रखें कि अगर पीछे की टो आउट है तो हो सकता है वो टायर खाने की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं टेक्निकल राजगुरु, और ये लिखते हैं, गुरुजी क्या टाटा की हर गाड़ी में एडजस्टेबल कैम्बर आता है या सिर्फ नेक्सॉन में ही आता है? तो देखिए दोस्तों, टाटा की लगभग हर गाड़ी में 100% एडजस्टमेंट कैम्बर की जाती है, वैसे कुछ गाड़ियों में कैम्बर की एडजस्टमेंट नहीं भी होती है, जैसे आपकी बड़ी गाड़ियां अब आने लगी हैं, हैरियर है, सफारी है, उनमें नहीं है, और उसके बाद टाटा सफारी स्टॉर्म में जो कैस्टर और कैम्बर की भी एडजस्टमेंट होती है, और लगभग छोटी गाड़ियों में शॉकर के द्वारा इसके कैम्बर की एडजस्टमेंट की जाती है। तो दोस्तों, आज के ये कुछ कमेंट्स थे जिनका मैंने रिप्लाई दिया। ये वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है लेफ्ट पुलिंग की, बबलिंग की, या आपकी गाड़ी टायर खा रही है, और आपने सब जगह दिखा लिया है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप हमसे पर्सनली मिल सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, दीजिए आप इजाज़त, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।